सलमान खान जो सिकंदर के लिए तैयारी कर रहे हैं को एक बार धूम 4 में मुख्य भूमिका निभाने के लिए कहा गया था। यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित आगामी फिल्म में रणबीर कपूर होंगे। लगभग 4 दशकों के करियर में सलमान खान हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार में से एक बन गए हैं, जबकि रणबीर कपूर को धूम 4 में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। एक समय ऐसा भी था जब वरिष्ठ सुपरस्टार से आगामी वायरिट प्रोडक्शन में अभिनय के बारे में पूछताछ की गई थी। धूम 4 में मुख्य भूमिका निभाने के इच्छुक एक प्रशंसक की इच्छा पर सलमान ने मजेदार प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। टाइगर 3 स्टार ने कहा कि अन्य धूम खलनायक उसे पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे। आपकी अदालत में अपनी उपस्थिति के दौरान एक महिला प्रशंसक ने धूम 4 में सलमान खान को मुख्य भूमिका में देखने की इच्छा व्यक्त की। सलमान ने साझा किया कि अगर उन्हें यशराज फिल्म्स के प्रोडक्शन वेंचर में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिलता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। सुपरस्टार ने मजाक में सुना दी धूम 4 की संभावित स्क्रिप्ट। अपने प्रफुल्लित करने वाले संस्करण के बारे में बात करते हुए सलमान ने कहा कि धूम फ्रेंचाइजी में एक नया खलनायक पेश किया गया है और अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इससे पहले पिनकविला ने विशेष रूप से पुष्टि की थी कि रणबीर कपूर धूम 4 में खलनायक की भूमिका निभाएंगे। विकास से जुड़े एक सूत्र ने हमें बताया कि निर्माता आदित्य चोपड़ा को लगता है कि रणबीर धूम की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आदर्श विकल्प है। रणबीर के साथ काफी समय से चर्चा चल रही है। उन्होंने मूल विचार सुनने के बाद हमेशा धूम 4 का हिस्सा बनने में दिलचस्पी दिखाई थी और अब आखिरकार इस फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने की पुष्टि हो गई है, सूत्र ने कहा। ध्यान देने वाली बात यह है कि धूम की मूल स्टार कास्ट इस बार सीरीज में वापस नहीं आएगी। सूत्र के अनुसार धूम 4 में पुलिस मित्रों की जोड़ी का किरदार निभाने के लिए युवा पीढ़ी के 2 बड़े हीरो आएंगे। फिलहाल धूम 4 के लिए कोई डायरेक्टर तय नहीं किया गया है। YRF 2025 के मध्य तक फिल्म निर्माता की पुष्टि करने की योजना बना रहा है। निर्देशक धूम 4 टीम के साथ रेकी और प्री प्रोडक्शन प्रक्रिया में शामिल होंगे। धूम 4 के 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में फ्लो पर आने की उम्मीद है। सलमान खान की बात करें तो सुपरस्टार को आखिरी बार 2023 में टाइगर 3 में देखा गया था। सलमान अब AR मुरुगादॉस के निर्देशन में बनी फिल्म सिकंदर में दिखाई देंगे। इसमें रश्मिका मंदाना और प्रतीक बब्बा भी हैं। नाडियाडवाला ग्रैंडसन के बैनर तले साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित आगामी फिल्म 2025 पर रिलीज होगी। सलमान का इस साल वरुण धवन की बेबी जॉन में भी कैमियो है। अधिक अपडेट के लिए हिंदी न्यूज से जुड़े रहें।